बुरहानपुर के जिला अस्पताल की जितनी शानदार ये बिल्डिंग है उसके माफिक यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। कोरोना काल चला है लेकिन सुविधाएं ना के बराबर हैं। लगभग 32 करोड़ के भवन में सभी फैकल्टी के लिए पर्याप्त वार्ड हैं, लेकिन मरीजों के लिए बेड नहीं है। नजारा आपके सामने है। मरीज फर्श पर ही सोने को मजबूर है। अस्पताल की क्षमता 400 बेड की है लेकिन बेड के क्या हाल है वो आपको पता लग ही रहा है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी के अलावा दूसरी सुविधाओं की कमी है। हालांकि 2018 में बुरहानपुर के तत्कालीन विधायक और प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रहीं अर्चना चिटनिस ने श्रेय लेने की होड़ में जिला अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट किया था, लेकिन श्रेय लेने के लिए भाजपा नेताओं में होड़ लगी रही। लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार यहां आवश्यक संसाधन जुटा नहीं पाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने इसके लिए भाजपा नेताओं को निशाने पर लिया है। बड़ा अफसोस और दुख की बात है, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सम्मान्य अरुण यादव जी के अथक प्रयासों से बुरहानपुर को जो एक 32 करोड़ का अस्पताल की एक सौगात मिली थी। अफसोस दुख ये होता है कि मरे हुए शेर पर फोटो खिंचाने वाले भाजपाई खूब फोटो खिंचाने का काम किए जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, और न वो आज तक वहाँ स्टाफ की व्यवस्था कर पाए, न डॉक्टर्स की व्यवस्था कर पाए, और ऊपर से जितने रूम्स बन के तैयार है वहाँ पे इतने सारे रूम हैं कि कम से कम बुरहानपुर का 1000 पेशेंटों को हम वहाँ एडमिट कर सकते हैं। बाकी अफसोस और दुख ये हो रहा है कि स्वयं के जरा से स्वार्थ के लिए यहाँ पर पूरा प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस ओर को ध्यान देने को तैयार नहीं है। सिर्फ रोज मीटिंग्स करना, मीटिंग में नए नए आदेश पारित करना, और बेचारी जो हमारी गरीब जनता है वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। तो रूम बने किस लिए है, और जब चूंकि आपदा है, महामारी है, तो अभी तो ये स्थिति है कि जहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिल रही है वो ले रही है सरकार, तो बुरहानपुर अस्पताल यहाँ पर रूम खाली पड़े हैं, तो इस रूम में सिर्फ उनको बेड लगाना है जो बेचारे नीचे पड़े हैं, जिनको नए नए इन्फेक्शन होने का डर रहता है कि ऊपर का पेशेंट क्या इन्फेक्शन, नीचे वाले क्या, तो बेड लग जाए रूम में तो कम से कम हमारे शहर के लोगों को एक उचित स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, और स्वास्थ्य का उनको जो उपचार होना चाहिए उपचार भी मिल जाएगा। तो मेरा यही निवेदन भी है सम्मानीय कलेक्टर महोदय से, CMHO महोदय से भी, कि रूम खुलवाए। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान ने भी अस्पताल में असुविधाओं की कमी को माना है, लेकिन उनके मुताबिक जल्द ही सारी समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। लेकिन ये फर्श पर सोते मरीज कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, हमारा अस्पताल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी जगह है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये हमारा अस्पताल 200 बेड हॉस्पिटल है, और अभी इस समय हमारे अस्पताल में लगभग 450 मरीज भर्ती है, तो उनको सबको व्यवस्थित करना थोड़ा बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हम लोगों ने कलेक्टर साहब की मदद से बहुत इसको काफ़ी हद तक व्यवस्थित कर लिया है। अभी हमारे पास पेशेंट सब ज़मीनों पर थे और वार्डों में पूरे वार्ड भरे हुए थे, लेकिन कुछ वार्ड थे जो खाली पड़े थे जिनमें जगह थी, तो हम लोगों ने मरीज़ वहाँ शिफ्ट करके और ज़मीनों पे से मरीज़ हटा के हमने पलंगों पे मरीज ले लिए हैं। व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी सुधर गई हैं, काफ़ी सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी और सुधार की गुंजाइश। नेताओं और प्रशासन की संवेदनहीनता के चलते अस्पताल में सुविधाओं का टोटा है। अगर शासन और प्रबंधन चाहे तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बस मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में लोग पिसते रहेंगे और मरीज फर्श पर सोने को मजबूर होते रहेंगे। पंजाब केसरी के लिए बुरहानपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।